एवरीवन, दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिपेंडेंट हाउस जो कि 150 गज में बना हुआ है। और ये आप उस घर की गली देख सकते हैं जो कि आपको इस गली में घर मिलने वाला है, वो आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे घर बने हुए हैं इस गली में, आप देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, कुछ बने हुए भी हैं। तो दोस्तों इसी गली में मैं आपके लिए 150 गज का एक मकान लेकर आया हूँ फरीदाबाद में, जो कि भड़ाना चौक प्रिंस स्कूल के पास है ये। और आप देख सकते हैं ये गली का एंड हो जाता है, बंद ये गली है। और जो आप देख रहे हैं किराए के लिए कमरे खाली हैं, ये ही वाला घर आपको मिलने वाला है। इस घर का एरिया की बात करें तो 150 गज में ये बना हुआ है 30x45 का। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ्रंट है, 30 फुट का और 45 फुट इसकी गहराई है। और 2 मंजिल ये बना हुआ है दोस्तों। और ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। रहने के लिए भी काफ़ी अच्छा घर है ये, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस घर को लेते हैं तो आपको कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये रेंट मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि कुछ लोग अभी भी रेंट पर इस घर में रह रहे हैं। क्योंकि 30 फुट इसकी चौड़ाई है और 45 फुट इसकी गहराई है, जो कि आप देख सकते हैं ये घर 150 गज में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 150 गज का जो घर लेकर आया हूँ, काफ़ी अच्छा लोकेशन है क्योंकि भड़ाना चौक प्रिंस स्कूल के पास है। गली मैंने आपको दिखा दी है, ये देख सकते हैं लोकेशन इसकी घर की, क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस है, 150 गज में बना हुआ है, काफ़ी पुराना बना हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर लेते ही इसको 30 हज़ार आप रेंट उठा सकते हैं इस घर को लेते ही। दोस्तों नीचे भी कमरे बने हुए हैं, ऊपर भी इसमें कमरे बने हुए हैं और लोग रेंट पे आज भी रह रहे हैं इसमें। अगर आप ये घर लेते हैं तो आपको रेंट 25 से 30 हज़ार रुपये तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आप जैसे घर में एंटर करते हैं तो आपको ये जीने के नीचे स्पेस मिल जाता है, और ये आपको स्पेस मिल जाता है, और ये लेफ्ट साइड में आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर के लिए चली जाती हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर सेपरेट मीटर लगे हुए हैं, अभी 6 मीटर लगे हुए हैं। अगर 5-5 हज़ार रुपये के रेंट की बात कर लें तो 30 हज़ार रुपये मोटा मोटा हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ तो बता रहा हूँ 30 हज़ार रुपये आपका यहाँ पर रेंट आ सकता है दोस्तों। और इसको अगर आप नई कंस्ट्रक्शन करके बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको, जो कि आप देख सकते हैं 30 फुट की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी अच्छी होती है। और ये जो घर देख रहे हैं आपको काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है, भड़ाना चौक प्रिंस स्कूल फरीदाबाद में। और दोस्तों अब मैं आपको ये घर दिखा देता हूँ नीचे से, जो कि देख सकते हैं ये जैसे एंटर करते हैं लेफ्ट में आपको सीढ़ियाँ मिल जाती हैं और राइट में आपको ये स्पेस मिल जाता है जो कि वॉशरूम है। ये कॉमन वॉशरूम है जो कि रेंट पर लोग रहते हैं उनके लिए अभी बना हुआ है, ये जो कि रेंट पर लोग रहते हैं उस हिसाब से ये बनाया हुआ घर है, क्योंकि ये कॉमन वॉशरूम मिल जाते हैं आपको दो। आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी है यहाँ पर, ये कॉमन एरिया है सभी लोगों का। और अब हमें एंटर करते हैं तो आपको ये कॉमन एरिया फिर से मिल जाता है, जो कि ये देख सकते हैं आप, ये हॉल है, ये कॉमन हॉल है, यहाँ पर सभी जो रेंट पर रहते हैं वो सभी इसको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तुरंत आप इसको लेकर रेंट पर भी चढ़ा सकते हैं। आपको रेंट वाले जो हैं टेनेंट हैं वो ढूँढने नहीं पड़ेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी इसमें रहते हैं। और आपको रजिस्ट्री करते ही आपके नाम पर ये जो रेंट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी और बताता हूँ, अगर आप इस घर को लेते हैं और लोन भी लेते हैं तो लोन की ईएमआई अपनी जेब से नहीं भरनी पड़ेगी, इस घर से जो रेंट आएगा वो आप भर सकते हैं उसी रेंट से। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कमरे बने हुए हैं, ये किचन का स्पेस है जो कि आप देख रहे हैं सामने। और ये जो गली देख रहे हैं ये कॉमन गली है, जो कि लेफ्ट साइड में कमरे बने हुए हैं, राइट साइड में भी कमरे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा ये घर लेकर आया हूँ मैं, इंडिपेंडेंट हाउस है फरीदाबाद के भड़ाना चौक प्रिंस स्कूल पर, जो कि मैंने आपको 15 फुट की रोड दिखाई थी। और एंड वाला मकान है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, 150 गज में बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये कमरे बने हुए हैं, जो कि लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कि टेनेंट हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस घर के बारे में कोई और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और जो भी डिटेल्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको नीचे का एरिया दिखा दिया है, जो कि आपको वॉशरूम दिखा दिया था मैंने पहले, अभी भी दोबारा देख लीजिए आप, ये वॉशरूम का स्पेस है सामने, कॉमन एरिया है जो कि यहाँ पर टेनेंट रहते हैं उनके लिए। और
अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि फर्स्ट फ्लोर का एरिया भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये स्टेयर्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप इस घर में लोन भी लेते हैं, घर को लेने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको जो बैंक की EMI है अपनी जेब से नहीं देनी पड़ेगी, वो आप यहीं से रेंट उठा करके EMI दे सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का एरिया मिल जाता है आपको, देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर भी आपको कमरे मिल जाते हैं, जो कि टेनेंट यहाँ पर भी रह रहे हैं। ये स्टेयर्स हैं और ये कॉमन एरिया है सभी टेनेंट्स का, जो कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से बना हुआ है। वो सिर्फ रेंट पर्पज़ के लिए बना हुआ है अभी ये घर। अगर आप रहने के लिए बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा स्पेस होता है ये 150 गज में। ये ऊपर मैं छत का एरिया दिखा देता हूँ पहले आपको, फर्स्ट फ्लोर बाद में दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ऊपर भी वॉशरूम बने हुए हैं, और यहाँ की लोकेलिटी देख सकते हैं, जो कॉलोनी है यहाँ की, ये देख सकते हैं आप। ये 150 गज का मकान है, जो कि आप छत देख सकते हैं, इसकी टंकी रखी हुई है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये छज्जा देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर का, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको नीचे से भी। ये जो स्पेस है, इसमें भी कमरे बने हुए हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर का स्पेस है, जो कि ये देख सकते हैं आप। ये छज्जा बना हुआ है, ये गली एरिया है, लोकेलिटी आप देख सकते हैं यहाँ की, काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है ये, बड़ाना चौक प्रिंस स्कूल पर, जो कि यहाँ पर अक्सर 30 फुट की रोड है, सारी 30 से 40 फुट की रोड मिल जाती हैं, लेकिन जो ये घर बना हुआ है वो 15 फुट की गली में है, इसलिए काफ़ी सस्ता भी मिल रहा है आपको ये घर। ये देख सकते हैं आप, ये छज्जा है, और आपको ये बहुत सस्ता घर मिलने वाला है। आप अगर इस घर को ले रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों ये आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे, कॉमन एरिया जो कि आप फर्स्ट फ्लोर का देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको लेफ्ट साइड में कमरे बने हुए हैं, राइट साइड में कमरे बने हुए हैं, जो कि लोग टेनेंट रह रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। लेफ्ट राइट में यहाँ पर भी कमरे बनाए हुए हैं इन्होंने, और नीचे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फ्लोर है वो लेंटर पड़ा हुआ है, और जो ऊपर कमरे बने हुए हैं वो गाटर पटिया वाला वो है। आई होप यू आपको ये घर पसंद आया होगा, इंडिपेंडेंट हाउस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की प्रॉपर्टी की वीडियो हमारे चैनल पर रोज आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।